एक मैया थी, उस मैया को भगवती शीतला माता की कृपा प्राप्त थी। शीतला माता भगवान की शक्ति हैं और वंदनीय हैं। शीतले तुम जगन माता, शीतले तुम जगत पता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतला यही नमो नमः। ओ महाराज जी, एक बात और प्रसंग बस कह दें, भगवान के नामों के कीर्तन की महिमा क्यों न हो। जहां गधे के नाम के कीर्तन की महिमा है, वहां भगवान नाम कीर्तन की महिमा क्यों न हो। स्तोत्र में लिखा है, शीतला माता के सामने उनके वाहन के नामों का कीर्तन करो तो घर में बच्चों को महामारी बीमारी नहीं होगी, शीतला नहीं निकलेगी, माता नहीं निकलेगी। माता निकलती ना, वो विस्फोटक जिसको कहते हैं, वो बीमारी नहीं होगी। सुना दें गधे का कीर्तन। रासभो गर्धवश्चैव खरो वैशाख नंदनः शीतला वाहनश्चैव दूर्वाक्रंदन कृंतनः एतानि खर नामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत् तस्य गेहे शिशूनाञ्च शीतला रुंग न जायते। हमारा लिखा हुआ श्लोक नहीं है, व्यास जी की वाणी। शीतला रुंग, इसलिए हम कहते कीर्तन की महिमा क्यों नहीं होगी। और धन्य है सनातन धर्म, जहां किसी का तिरस्कार नहीं, जहां गधे के भी नाम के कीर्तन की महिमा है, पूजा की महिमा है। तो शीतला माता का कोई दोष नहीं हम बता रहे हैं, ये बात समझने की कोशिश करें। वो मैया जो थी ना, उसको शीतला जी का साक्षात्कार था। तो लोगों को झाड़ फूक कर देती, लोग ठीक हो जाते, शीतला माता उसको वरदान देती थी। एक बार वो शीतला जी की पूजा कर रही थी और उस बुढ़िया का पोता वहीं खेल रहा था। तब तक एक घुड़ सवार और बढ़िया अरबी घोड़ा था, पड़ाक 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 करके निकला। अब वो छोटा बच्चा, उसने कहा, दादी मैं घोड़ा लूंगा, मैं घोड़ा लूंगा। मचल गया, रोने लग गया। तो भगवती का साक्षात्कार था। तो उस बुढ़िया ने कहा, माताजी ये बहुत रो रहा है, अब इसको मैं कैसे घर ले जाऊं, आप आशीर्वाद दो, वरदान दो, इसको घोड़ा मिल जाए। तब उस पोते के भाग्य में घोड़ा था ही नहीं। तो शीतला जी ने क्या कहा जानते हो? अरे मैया, यदि मेरे पास घोड़ा होता तो मैं गधे की सवारी क्यों करती। भाई तुम हमसे घोड़ा मांग रही हो, तो हमारे पास ही घोड़ा होता तो जिसके पास घोड़ा उपलब्ध हो गधे पे क्यों बैठेगा। नहीं दिया, लेकिन भगवान सर्वस्व दे देते हैं। वो जीव के प्रारब्ध कर्म का विचार नहीं करते, सब कुछ दे देते। देना तो हमारे ठाकुर जी को ही आता, और किसी को देना नहीं आता। विभीषण को दिया तो करहु कल्प भरी राज तुम, मुहि सुमेरहु मन माही, पुनिमम धाम पे हऊ जहां संत सब जाही। भगवान को देना आता है। तो केचिद, श्रीधर स्वामी कहते, केचिद सेविता फल काले, केचित्तु स्थानात् भ्रष्टाः। कुछ देवता ऐसे हैं वो स्वयं ही स्थिर नहीं है, स्थान भ्रष्ट। ते त्वं तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। वो स्वयं ही अपने स्थान से नीचे गिर जाने वाले हैं। इंद्रपद पर पहुंचा हुआ नहुष गिरा नीचे कि नहीं गिरा? स्थानात् भ्रष्टाः तद व्यावृत्त्यर्थम अनवद्यम इत्यादीनि पंच विशेषणानि। श्रीधर स्वामी कहते हैं, उस इन दोषों की व्यावृत्ति के लिए
अनवद्य आदि पांच विशेषण भगवान में दिए जा रहे हैं और इन विशेषणों से विशिष्ट केवल और केवल भगवान ही संभव हैं और ये पांचों विशेषण निर्वधिक रूप से किसी में घटित होंगे ही नहीं। तो तस्मात् भवन्त मनवद्य मनंत पारम। श्री एकनाथ जी महाराज ने अपनी एकनाथी भागवत की टीका में, एकादश की टीका में अनवद्य की बड़ी सुंदर व्याख्या दी है। वो कहते महाराज ये ऐसे अनवद्य हैं कि इनमें कोई दोष भी आ जाए तो वो दोष भी इनके पास पहुंचकर गुण हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा बोलो चोरी दोष है कि नहीं? लेकिन भगवान की वो विशिष्ट लीला बन गई, वो भगवान का गुण बन गया। बिल्व मंगल जी का एक एक वचन है, वो कहते हैं बालो पिशैलो धरणाग्र पाणे। आप छोटे से बालक हैं, 7 वर्ष के बालक हैं, फिर भी गोवर्धन पर्वत अपनी कन्नी उंगलिया पे धारण कर लेते हैं। बालो पिशैलो धरणाग्र पाणे अनीलोपि नीरंध्र तम प्रदीपः। काली चीज चमकती नहीं है, आप सांद्र नील हैं पर जितने अंधेरे में जाते हैं आपका उजेला उतना ज्यादा हो जाता है। धीरोपि राधा नयनाव बद्धः। बड़े धीर हैं आप पर राधा रानी ने अपनी नजर में आपको बांध रखा है, प्रेम भरी दृष्टि में आपको बांध लिया है। और अंतिम बात विचित्र कह रहे हैं, बोले जारोपि, आप जा रहे हैं। जार पुरुष की बड़ी निंदा की गई है शास्त्रों में, पर ये जारत्व भी आप में दोष नहीं रह गया, वो गुण बन गया। जारोपि संसार हरहा, आप जार होकर भी संसार हरहा, जन्म मृत्यु के चक्र से जीव को छुड़ाने वाले हैं। कुतस्त्वम, बहुत बढ़िया श्लोक है कृष्ण करुणामृत का। बालो पिशैलो धरणाग्रपाणे नीलो पिनीरंध्रतम प्रदीपः धीरो पिराधा नयनावबद्धो जारो पि संसार हरह कुतस्त्वम। महारास लीला सुनने कहने का फल क्या है? विक्रीडितम् ब्रजबधूभिरिदंच विष्णो श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमास्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के इस मंगलमय गोपियों के साथ महारास विहार की लीला का श्रवण करता है उसे भगवान के चरणों में रस रूपा प्रेम लक्षणा पराभक्ति प्राप्त हो जाती है और उसके हृदय के रोग जो कामादिक विकार हैं वो सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाते हैं। ये उन लीला पुरुषोत्तम की जार लीला श्रवण का फल है। जारोपि संसार हरह, और किसी को हार्ट की बीमारी हो वो भी ठीक हो जाती है, हृदय गति संबंधी बीमारी हो वो भी ठीक हो जाती है। जारोपि संसार हरह कुतस्त्वम। सनातन गोस्वामी जी ने इसका बड़ा सुंदर अर्थ किया है टीका में। वो कहते हैं कि हृदय रोग क्या है? कामादिक विकार कहते नहीं, ये तो भगवान का तिरस्कार है। राजा को अपने घर में बुलाओ तो राजा कहे क्यों बुलाया? बोले थोड़ा गंदा पड़ा है झाड़ू लगा दो। तो बोलो राजा का सम्मान किया कि अपमान? तो काम क्रोध आदि विकारों की गंदगी सफाई के लिए भगवान को बुलाओ ये ठीक नहीं है। वे अपनी टीका में लिख रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी जी, वो कहते हैं महाराज वस्तुतः हृदय रोग क्या है? कहते कृष्ण अप्राप्ति ही हृदय रोग है। कितने जन्म बीत गए भगवान नहीं मिले, यही रोग है हृदय का, यही पीड़ा है,
यही टीस है प्रेमियों के हृदय की, इस रोग को दूर करने वाली है रासपंचाध्यायी, अर्थात उसको भगवान जल्दी मिल जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वे कहते हैं अवध्य भगवान में दोष भी आकर दोष नहीं रह जाता, वो भी गुण बन जाता है भगवान में आकर के, ऐसे भगवान अनवध्य हैं। और कैसे हैं? कहते हैं अनंतम, अनंत हैं। अनंत का अर्थ है परिच्छेद से रहित हैं, उनकी यत्ता नहीं है, उनको कोई सीमा में बांध नहीं सकता है कि बस इतना ही परमात्मा है। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, अत्यतिष्ठत दशांगुलम, वो ब्रह्मांड की सीमा के 10 अंगुल बाहर तक भी है, एक अर्थ ये है। और अत्यतिष्ठत दशांगुलम का दूसरा अर्थ भी है, हृदय देश में वह 10 अंगुल में वो परमात्मा विराजमान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और कैसे हैं? बोले अकुंठम, अकुंठ हैं। अकुंठ का अर्थ है कालादिभीर कुंठो विकुंठ लोको धिष्ण्यम स्थानम यस्य तम। कहते हैं विकुंठ अकुंठम विकुंठ धिष्ण्यम, ये अकुंठ हैं क्योंकि विकुंठ इनका धिष्ण है, लोक है। इसका अर्थ है भगवान में काल आदि की कुंठा नहीं है, काल आदि की कुंठा नहीं है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी बीत जाती है, ठीक है, और भगवान के निमिषार्ध में 1000 ब्रह्मा की आयु व्यतीत हो जाती है। पलक गिराने में जितना समय लगता ना, उससे आधे समय में 1000 ब्रह्मा जी की आयु पूरी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब किसी पे दुनिया में कोई ऐसा कंप्यूटर बना हो जो हिसाब किताब जोड़ के बतावे कि भगवान की आयु कितनी, सब मशीन फेल है। ये अकुंठ धिष्ण है, इनका लोक भी ऐसा है कि न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसा उनका वह दिव्य धाम है अकुंठ धिष्ण है, ऐसे। और सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले। माने प्रश्न ये है कि दूसरे से पूछा भी जाए वो सर्वज्ञ तो है नहीं, तो पूरी बात कैसे बताएगा? जितना जानता उतना ही तो बताएगा, उससे ज्यादा बता नहीं पाएगा। तो आपके जैसा वक्ता कहां खोजने जाएंगे, आप सर्वज्ञ हो। और ईश्वरम, आप सर्वेश्वर हो, सबके स्वामी हो। ये 5 विशेषण ये तो आप में ही हैं, ये 5 दिव्य गुण हैं। इसलिए हे भगवन, हे भगवन हा स्फुटम निर्वेद हेतु ब्रजनई दुख ही अवितप्ता। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उद्धव तुमको तो बहुत अच्छी बात, क्या तुम्हें कमी है, कसर तो कोई है ही नहीं, सब चीज मिली हुई है, द्वारिका सोने की द्वारिका है, फिर तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? तुम्हारे निर्वेद का, वैराग्य का हेतु क्या है? तो उत्तर दे रहे हैं ब्रजिनाभितप्तः निर्विण धीरः मुह ब्रजिनाभतप्तः। हम निर्विण धी हैं, बहुत ऊंची बात है निर्विण धी।